Hello everyone, welcome back to my channel. Hi, my name is Lavi and if you are new to this channel, please like, share and subscribe. Actually, ये वीडियो मैं एडिट कर रही थी सो वाइल एडिटिंग मैंने देखा कि मैंने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं बनाया. ये एक ग्रूमिंग गेट रेडी वीडियो होने वाली है जब हम जया के यहाँ और मम्मी के यहाँ गए थे. उसको ऑलरेडी एक पार्ट चैनल पर पब्लिश कर दिया है मैंने, सो अगर आपने नहीं देखा तो जाके आप देखें. मैंने इसमें गेट रेडी पार्ट नहीं डाला क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने ये सेपरेट ही रखा. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को. आगे आने वाले वक्त में आपको और भी गेट रेडी वीडियोज़ मिलेंगी. सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो. सो अब सीधे इसके सेकेंड पार्ट पर चलते हैं. ये फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ सिंपल का, ये बहुत अच्छा है. मैं काफ़ी टाइम से इसे यूज़ कर रही हूँ, आई थिंक 1 ईयर होने वाला है. तो आई एम यूजिंग दिस फेस वॉश. सो आई एम यूजिंग माई फेस वॉश इन दिस वीडियो. आपको जेंटली 1 मिनट के लिए धीरे धीरे हाथों से 60 सेकेंड्स के लिए मसाज करना होता है फेस वॉश को. बहुत जल्दी में नहीं करना कभी भी फेस वॉश, जेंटली आपको धीरे धीरे हर एरिया को कवर करना है, योर फोरहेड, योर फेस. और अभी मैंने ये फास्ट फॉरवर्ड करी है वीडियो, डोंट थिंक कि मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ. ये जेल टाइप फेस वॉश है बट लेदर बहुत अच्छे से करता है. अब मैं पानी से फेस वॉश करके आपके सामने आऊँगी. सो माई स्किन लुक्स सो गुड, सो सॉफ्ट राइट नाउ. गाइज मैंने फेस वॉश कर लिया है, अब मैं इसे पैड ड्राई करूँगी. सो आई एम डन विथ माई फेस वॉश, अब मैं रेडी होंगी. इसमें मैंने अपने बैंगल्स रखे हैं, इसमें सेफ्टी भी रहती है. सो ये ऐसी बैंगल्स रखे हैं तो मैं सोचू कढ़ाई डालूँ. मैं हमेशा यही वाले कड़े डालूँ तो आई थिंक मैच करेगा, ये नहीं करेगा, आई थिंक मैच नहीं करेगा. तो मैं ये वाले डालूँ, ये बेसिक है, ये वाले पहले वाले ना, ये वाले ये वाले पहन रही हूँ सेम से क्विक. और इस साथ में मैं ये पोच अच्छा लग रहा है, सुंदर विद मेकअप बॉक्स में मैंने अपनी डेली वेयर ज्वेलरी रखी है तो मैं इससे मैंने ये वाले इयररिंग्स निकाल दिए हैं. ये मेरी डेली वेयर के इयररिंग्स हैं तो आई विल वेयर दिस. ये मुझे बहुत इजी लगता है मतलब पहनना. सो इसमें थोड़े से बहुत ऐसे डैंगल टाइप हैं सो ये मेरे ऑल टाइम फेवरेट है और मैं ये हमेशा मोस्टली यही पहनती हूँ. और ये मेरी एक रिंग है तो मैं एक हाथ में ये वाली रिंग पहनूँगी. ये मेरी एक रिंग है आई डोंट नो आपको दिख रही है ना, दिख रही है. ये रिंग मैं इस हैंड से पहन रही हूँ तो एक हाथ पे मैं ये पहनती हूँ और एक हाथ में ये वाली रिंग ये पहनूँगी. और जो मैंने वॉच दिखाई थी ये, वैसे मेरे पास दो ऑप्शन है, एक ये वाली है एक ये वाली है, बट आई थिंक ये ज़्यादा जाएगी क्योंकि ये सिल्वर है और वाइट पहना है मैंने. और ये थोड़ी हल्की सी लूज़ है क्योंकि ये थोड़ी ब्रेसलेट टाइप में है इसलिए थोड़ी लूज़ है. तो आई विल वेयर दिस वन, ये बिल्कुल मैंने अपने फिटेड साइज़ में करवाई है. सो आई विल वेयर दिस वन, ये बिल्कुल ऐसे फिट हो जाती है तो ये मुझे अच्छी लगती है. अभी मैंने फेस वॉश किया उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़ करती हूँ इससे. ये पॉन्ड्स क्रीम है जेल वाली, ये बहुत अच्छी है. जब से ये लॉन्च हुई है मैं तब से इसे ट्राई कर रही हूँ और मैं फिर इसे ही यूज़ करती हूँ. 100 ग्राम वाला प्रोडक्ट है ये, इसमें और भी आते हैं, मैंने 300 वाला भी मंगाया था, वो मेरा पूरा ख़त्म हो गया. तो अब मैं अभी से थोड़ी सी क्रीम लेके मॉइस्चराइज करती हूँ. गाइस मॉइस्चराइज करना फेस को बहुत ज़रूरी है, अगर आप ये पार्ट स्किप करते हैं तो स्किप ना करें, ज़रूर लगाएं चाहे समर्स हो चाहे विंटर्स हो. मॉइस्चराइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं थोड़ा सा गले पे भी लगाऊंगी इसे, नेक पे, नेक लाइक दिस. दिस इज़ माई लिप बाम आई एम यूजिंग, लोटस का. बिल्कुल ख़त्म हो गया है, आपको दिख नहीं रहा होगा बट इसमें है थोड़ा सा. मैंने अभी न्यू लिप बाम मंगाया है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, अभी तो लेट हो रही हूँ. तो दिस इज़ द लिप बाम आई एम यूजिंग. देखने में लग रहा है कि इसमें है नहीं बट उसमें है साइड्स में, बहुत ज़्यादा है मतलब 2-3 बार लगा लूँ मैं. अभी ज़्यादा निकाल दी मैंने, मुझे लगता है कम निकलेगी बट ज़्यादा निकल जाती है. वापस डाल देते हैं, कोई नहीं. और ये मैंने मिनीसो से पैलेट लिया था आईब्रो का बहुत पहले, ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है ये तो मैं ये लगाऊंगी अभी. आईब्रो भी लगा दी मैंने, अब आपको दिख रहा होगा मेरी बहुत ही लाइट आईब्रोज हैं सो मुझे ये ज़्यादा लगाना होता है. आई एम यूजिंग माई कॉम्पैक्ट पाउडर, मतलब मैं सर्दियों में यूज़ नहीं करती हूँ, मैं मोस्टली गर्मियों में इसे यूज़ करती हूँ
क्योंकि गर्मियों में आपको थोड़ा फिनिशिंग चाहिए होती है क्योंकि आप स्वेटअप हो जाओगे। मैं ये लगा रही हूँ थोड़ा सेट करने के लिए। अभी तो मैं जल्दी में हूँ इसलिए मैं बेसिक चीज़ कर रही हूँ। कभी जैसे पार्टी फंक्शंस में जाना हो या कहीं जाना हो पीछे दर्रा खास है तो मैं वैसे करूँगी। कुछ भी नहीं आता मुझे प्रोफेशनल मेकअप वगैरह, बट बेसिक जो मैं करती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी। तो ये मैं लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, ये है डिवाइन वाइन मेबलिन की। अभी मैं डार्क शेड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने लाइट पहना है सो इसलिए मैं थोड़ा डार्क शेड यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ द शेड। अभी तो मेरी लिप बाम ही बहुत ज़्यादा लगी हुई है फिर भी लगा देती हूँ मैं। आई थिंक ये इनफ है, बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रहा है। शेड आई एम वेयरिंग मस्कारा लगाना भूल गई। ये वाला मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, वो अच्छा है, लैश पैराडाइज का। और ये मैं काजल यूज़ कर रही हूँ प्लम का, और इसको शार्प भी नहीं करा मैं, तब से ऐसी लगा रही थी, आँख में दर्द हो रहा था, बहुत टाइट हो जाता है, मुझे मुँह से ही खोलना पड़ता है इसे। दिस इज़ द शार्पनर। अब मैं धीरे धीरे पैनिक हो रही हूँ क्योंकि हम लेट हो रहे हैं, पर अभी मम्मी जी नहीं आए हैं, गुनिका भी नहीं आई है, सो उससे मैं थोड़ा रिलीफ हूँ कि वो उनको भी टाइम लग रहा है रेडी होने में। ये रहा काजल, मैंने इसको शार्प कर लिया, मैं इसे लगाती हूँ। फैल जाता है मेरा काजल ना मोस्टली, तो मुझे इतना पसंद नहीं है लगाना, पर आईज़ खाली लगती है कभी कभी तो मैं लगा लेती हूँ। नहीं तो कोई स्मज प्रूफ हो, मैंने बहुत रिव्यूज़ देखे थे कि स्मज प्रूफ है और है भी वैसे, बट पता नहीं मेरी वाटर लाइन में कोई काजल ऐसे टिकता नहीं है, मतलब निकल ही जाता है थोड़ा बहुत, तो ध्यान देना पड़ता है जब भी मैं काजल लगाती हूँ ना कि अरे फैल तो नहीं रहा, फैल तो नहीं रहा। स्कूल्स में बहुत पूछ लेते हैं हम या कॉलेज में, काजल फैल तो नहीं रहा ना, काजल फैल तो नहीं रहा ना, फिर साफ़ कर देते हैं। हाँ सभी लोग पूछते थे। ये मैंने मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, ये भी मेरा एंड होने वाला है तो मैं अब दूसरा लूँगी, पर जितना है मैं उतना यूज़ करती हूँ। मैं समर्स में वैसे मेकअप करना बिल्कुल पसंद नहीं है, अगर आप ज़्यादा ह्यूमिड एरिया में हो, स्पेशली मैं दिल्ली में रहती हूँ, ह्यूमिड एरिया में हो तो बहुत मतलब स्किन बहुत वो करती है, तो बेसिक ही रखना चाहिए आपको। सो ये मैंने थोड़ा बहुत लगा लिया मस्कारा जितना लगाना है। तो दिस इज़ द बेसिक मेकअप आई एम डूइंग। अब मैं थोड़े बाल कॉम करूँगी और बाल सेट करती हूँ। मुझे पहना रहे हैं, बहुत ब्राइट तो नहीं लग रही तेरा लिपस्टिक, देखना देखो पहले बाल बाल आगे कर दो, बाल में कर रहा हूँ, बाल ठीक कर दो। तो दिस इज द सिंपल चेन आई यूज टू वेयर। कैसा लग रहा हूँ मैं बताओ, मुझे डबल चेन आ रहा है, मोटी हो गई हूँ मैं, कैसी लग रही हूँ आपको? एक बार बाल वगैरह कॉम करके फाइनल लुक दिखाती हूँ। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक। ऐसी एक क्लचर लगा लिया ब्लैक कलर का, सारे बाल पीछे करके, कोई क्लिप नहीं लगाई अभी, क्लिप मैं लेके जा रही हूँ अगर बाय चांस चाहिए हो तो। और ये मैंने एक्सेसराइज कर लिया जो आपको दिखाया था अभी पूरी वीडियो में, मैं ये ऐसे ही कैरी करूँगी। सो दिस इज़ द लुक। हाउ इज़ द लुक आप कमेंट में ज़रूर बताना। दिस इज़ माई गेट रेडी वीडियो, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये लुक अच्छा लगा हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द व्लॉग, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।